हे गाइस वेलकम बैक। तो फाइनली गाइस विप्रो सिम और विप का अनबोर्डिंग का डेट आ चुका है। आप लोग का भर भर का कमेंट आ रहा था कि सिम विप का अनबोर्डिंग कब होगा, तो आज इस वीडियो में हम उसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो विप्रो सिम और विप का अनबोर्डिंग का डेट है वो है 7 फरवरी। यहाँ पे थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। आप यहां पे देख सकते हैं वर्चुअल अनबोर्डिंग की जो डेट है वो है 7 फरवरी, जो कि सुबह 9 बजे से स्टार्ट होगी, और जो ज्वाइनिंग का डेट है वो है 13 फरवरी। तो ज्वाइनिंग से पहले वर्चुअल अनबोर्डिंग होता है सबका, और वर्चुअल अनबोर्डिंग में क्या होता है आज इस वीडियो में हम उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये जो आपका वर्चुअल अनबोर्डिंग होता है वो आपका सुबह से शुरू हो जाता है, जो टाइम दिया रहता है उस टाइम से शुरू हो जाता है। उसमें आपको 10 मिनट पहले या 5 मिनट पहले आपको ज्वाइन होके रहना पड़ता है। उसके बाद से उसमें एक साथ 400 या 500 लड़कों का अनबोर्डिंग होता है, जिसमें सिम और विल्प दोनों रहते हैं। तो इसमें बेसिकली होता यही है कि वो जो जो टीम होता है अनबोर्डिंग टीम, वो आपके डॉक्यूमेंट्स जितने भी हो गए, आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं नहीं किए हैं वो चेक करते हैं, और फिर आप अगर आपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए होते तो उस दिन आपको अपलोड करना पड़ता है, फिर आपका अनबोर्डिंग होता है। और फिर फाइनली आपको सक्सेसफुली अनबोर्डिंग होने के बाद ही आपको जो भी आपका रिपोर्टिंग सेंटर दिया होता है वहां पे जाके रिपोर्ट करना होता है। तो 7 फरवरी को 9 बजे से आपका मीटिंग स्टार्ट होगा। उस मीटिंग में ये जो जितने भी टीम रहेंगे वो रहेंगे, और वहां पे 400+ टीम और विल्प दोनों के मिला के कैंडिडेट होते हैं, और तब बारी बारी एक एक करके सबका अनबोर्डिंग होता है। और अनबोर्डिंग से पहले सबसे पहले एक फॉर्म दिया जाता है जो कि ऑनलाइन ही होता है इम्बार्क पोर्टल पे, उसको फॉर्म को फिल करना होता है। इस फॉर्म में 4 या 6 स्टेप होते हैं, शायद सिम वालों के 4 और विल्प वालों के 6 स्टेप होते हैं, जिसको आपको फिल करने के बाद वो चेक करते हैं टीम, और चेक करने के बाद आपकी अनबोर्डिंग सक्सेसफुल होती है तभी जाके आपको रिपोर्टिंग करना होता है। अगर आपकी वर्चुअल अनबोर्डिंग नहीं हुई तो आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। तो जिस दिन मेरी अनबोर्डिंग हुई थी उस दिन तो 6 बजे शाम हो गया था मेरी अनबोर्डिंग के टाइम पे, क्योंकि उस दिन बहुत सारे लड़के थे और उन्होंने बहुतों ने तो अपना डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया था, और बहुत सारे लड़के ऐसे भी थे जिन्होंने कहीं ना कहीं MBA में या फिर BTech में एडमिशन ले लिया था। तो वैसे लड़के जो एडमिशन ले लिए थे और जो एडमिशन कटवा के अपना विप्रो में ज्वाइन करना चाहते थे, तो उनको पहले वो एडमिशन कैंसिलेशन का फॉर्म उस पर अपलोड करना पड़ता था, डिक्लेरेशन देना पड़ता था कि हाँ मैंने एडमिशन कैंसिल करा लिया है, नहीं तो उनकी वर्चुअल अनबोर्डिंग नहीं होती थी। तो वर्चुअल अनबोर्डिंग के बाद जितने भी कैंडिडेट का अनबोर्डिंग हो गया होता है उनका वो लोग लिस्ट देते जाते हैं बारी बारी से, और बीच में जिनका अनबोर्डिंग हो गया होता है वो मीटिंग छोड़ सकते हैं, और उसके बाद से जो उनका ज्वाइनिंग डेट रहता है उस डेट पे जाके रिपोर्टिंग सेंटर पे जाके अपना रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद से ज्वाइनिंग के बाद से क्या क्या होता है उस पर भी हम डिटेल में कभी चर्चा करेंगे।